फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपकी शेफ, शेफ कंचन। चलिए आज कुछ बनाते हैं इंटरेस्टिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलमंड मिल्क शेक, या फिर बोल लो आप आलमंड मिल्क लस्सी, या फिर आप कुछ भी इसको हेल्दी ड्रिंक का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, आलमंड मिल्क आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं, बट ये बहुत ही हेल्दी है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी बहुत ही पसंद आएगी। ये पूरे दिन आपको एनर्जी जेटिक आपको रखेगी। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। मम्मी हमें पिलाया करती थी विंटर समर्स में, मतलब हम सबको घर में बना कर, तो बहुत ही हेल्दी होती है। तो इसलिए मैंने आज आपके साथ शेयर की ये रेसिपी अपनी मम्मी की। मैं और भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मेरी मम्मी की रेसिपीज़ हैं। और आपको पता ही है, माँ के हाथ का खाना तो ऑब्वियसली बहुत टेस्टी होता है। वो जो बनाती है सब कुछ अच्छा बनाती है। स्टार्ट करते हैं। और मेरी मम्मी तो ऑलरेडी बहुत अच्छी कुक है। मैं उन्हीं से इंस्पायर्ड हूँ, तभी मैं बनाएंगे आलमंड लस्सी। वजह से हूँ आलमंड मिल्क लस्सी, ये कर्ड वाली लस्सी नहीं है, मिल्क वाली लस्सी है। लस्सी तो इसमें जैसे कि आलमंड मैंने यूज़ किए हैं, जो सॉफ्ट आलमंड होते हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। 20 से 25 आलमंड मैंने लिए हैं। और मैंने लिए हैं यहाँ पे ये छुआरे, इनको भी मैंने सोक कर लिया है, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनकी जो तासीर होती है फ्रेंड्स, वो गर्म होती है। और हमें कोई भी नट्स खाना है तो हमें सोक करके ही खाना चाहिए, चाहे आप वो विंटर में खा रहे हो, चाहे वो आप समर में खा रहे हो। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये चिया सीड्स। आपको पता है ये सब्जा के बीज भी इसको बोलते हैं। और मैं यहाँ पे जो स्वीटनिंग के लिए, जैसे कि आपको पता है फास्ट है तो मीठा खाने का मन करता है, तो हम यहाँ पे मैं नॉर्मल शुगर यूज़ ना करके मैं यहाँ मिश्री यूज़ करूँगी। अगर आप चाहें तो आप जैगरी पाउडर या जैगरी सिरप, चाहे तो आप हनी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैं यूज़ करूँ स्कीम्ड मिल्क। सो बहुत ही हेल्दी है, आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखेगी। और जैसा कि आपको पता है आज आपको कुछ नहीं खाना है, फास्ट है। तो होते हैं कुछ लोग जो पूरे दिन खाते रहते हैं अनहेल्दी, लाइक चिप्स हो गए, कुछ हो गया, तो इन सब अगर जैसे कि आप फास्ट रख रहे हो, अपनी बॉडी को हील करने का आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है। तो व्रत हम कर ही रहे हैं, साथ साथ हमारी बॉडी भी हील हो रही है। वही सब खाओगे जो कि आप नॉर्मल डेज में खा रहे हो, ये लाइक फ्रूट्स एंड अच्छी, जैसे लाइक फ्रूट्स खा सकते हैं, कट फ्रूट्स खा सकते हैं। अगर फ्रूट्स नहीं खाना है तो स्मूदी बनाइए, वो खा सकते हैं। और वैसे भी मैं आप 7 दिनों के लिए रेगुलर आपके लिए एक एक रेसिपीज आपके लिए लेकर आऊँगी अच्छी अच्छी तो आप और हेल्दी होगी वो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अनहेल्दी मैं रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, आपके लिए हेल्दी रेसिपीज़ मैं लेकर आऊँगी। मेरी यही कोशिश रहेगी। तो उसको आप फास्ट में इंजॉय भी कर सकते करोगे और हेल्दी भी रहोगे और आपका वेट भी लूज़ हो जाएगा। सो फ्रेंड, तो फ्रेश फ्रूट्स का ही यूज़ करिए एंड अच्छा होगा आपके लिए। आपको पता ही है शुगर तो हमें लेना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी लोग शुगर कंज्यूम करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और टी वगैरह ना लेके आप जिंजर टी या फिर कोई भी काढ़ा ले सकते हैं, बट आप टी अगर लेंगे खाली पेट तो वो आपको और भी ज़्यादा हार्म करेगी। तो आप ऐसी चीज़ें से दूर रहिए। ते हैं ऐड करते हैं। सबसे पहले मिक्सी लेनी है आपने। मैं मिक्सी में ये सोक्ड आलमंड डाल दूँगी सारे। और पहले हम इसको चर्न करते हैं, पानी हम कम से कम ही डालेंगे। पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और हम ग्राइंड करेंगे इसको, बिल्कुल ही बारीक पीसना है, क्योंकि अगर कोई खाए तो उसे पता ही ना चले कि वो पी क्या रहा है। क्योंकि हम जब छोटे थे ना, तो मुझे तो सच में बहुत ही, मम्मी ये इसमें ना आलमंड का छोटा सा भी दाना आ जाए तो मुझे अटक रहा है। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से ग्राइंड करिए ताकि पता ही ना चले कि ये बनाया क्या है, सिर्फ फ्लेवर ही इसका आना चाहिए। पूरा फाइन नहीं हुआ है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये सोक्ड छुआरे, ये भी हम दोनों साथ में पीस लेंगे। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से पीस जाए। फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप हमारा कितना फाइन पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। और अब ऐड कर रही हूँ शुगर, यानी कि मिश्री जो मैंने ली थी, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कम भी कर सकते हो। और जो हमने काजू पेस्ट लिया था वो भी आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। अगर ये थोड़ा अभी भी
अच्छे से फाइन नहीं हुआ होगा तो ये, और इसमें हो जाएगा दोबारा से एक बार ग्राइंड होगा तो। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क, और इसको हम चलाएंगे एक बार, हम इसको चलाते हैं। सब फ्रेंड्स, इसको और हेल्दी बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी है हमारी आलमंड लस्सी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक्स करना मत भूलिएगा, और आगे भी नई वीडियो आती रहेगी उसको भी देखना मत भूलिएगा, उनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा आप। तो फ्रेंड्स, ऊपर से आप इसके ऊपर चॉप्स नट्स वगैरह डाल सकते हो जो भी आपको पसंद हो, और कोई भी नट्स इसमें आप ऐड कर सकते हो।